HP Victus Ryzen 5 5600H vs HP Victus i5 11th Gen, कौन सा गेमिंग लैपटॉप परचेस करें अंडर 55K का बजट में। देखो अभी के टाइम में ये दोनों ही लैपटॉप बहुत ही अधिक सेल हो रहा है, पर यहाँ पे बहुत से लोग का ये भी कमेंट आ रहा है कि भैया हमने विक्टस परचेस किया था और हम जब गेम खेल रहे हैं ना तो वहाँ पे फ्रेम ड्रॉप बहुत ही अधिक हो रहा है। देखो ये दोनों ही लैपटॉप में से एक लैपटॉप में बहुत ही बड़ा इशू है, इस वीडियो में हम बात करेंगे उस इशू पे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये दोनों ही लैपटॉप को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और साथ ही साथ मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा आपको कि अगर मैं आपके जगह पे रहूंगा, मेरा बजट होगा 55K, तो मैं कौन सा लैपटॉप परचेस करने वाला हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लुक्स पे। देखो दोनों ही लैपटॉप 99% सेम दिखता है, बस थोड़ा साइज का डिफरेंस है। जो इंटेल वेरिएंट है वो आता है 16.1 इंच का डिस्प्ले के साथ, तो लैपटॉप थोड़ा सा बड़ा है। वहीं पे जो राइजन वेरिएंट है वो आता है 15.6 इंच का डिस्प्ले के साथ, तो लैपटॉप थोड़ा सा छोटा है। जो डिफरेंस होगा ना साइज का वो इतना सा होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा। बाकी अगर हम बात करें कूलिंग में तो ये दोनों ही लैपटॉप भैया इक्वल ही है, 19-20 का डिफरेंस हो सकता है। बाकी हम बात करते हैं प्रोसेसर पे। देखो यहाँ पे डिफरेंस है, जो राइजन वेरिएंट है उसमें आपको मिलेगा राइजन 5 का 5600H का सीपीयू। ये बहुत ही पावरफुल सीपीयू है, ये 6 कोर 12 थ्रेड का सीपीयू है। साथ ही साथ इसका जो बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी वह 3.3 GHz और ये बूस्ट होकर पहुंच सकता है 4.2 GHz तक। वहीं पे जो इंटेल वेरिएंट है उसमें आपको मिलेगा इंटेल का i5 11th Gen 11400H का सीपीयू, ये भी 6 कोर 12 थ्रेड का सीपीयू है और इसका जो बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी वो है 2.7 GHz और वो बूस्ट होकर पहुंच सकता है 4.5 GHz तक। अब हम बात करते हैं कौन सा सीपीयू अच्छा है आपके लिए। देखो जो इंटेल का सीपीयू होता है ना वो मैक्सिमम एप्लीकेशन साथ पहले से ऑप्टिमाइज होता है और इंटेल का सीपीयू हीट थोड़ा कम कर देता है, तो आप बोल सकते हो कि जो इंटेल का सीपीयू सा जो लैपटॉप आएगा विक्टस में उसमें आपको परफॉर्मेंस हल्का सा बेटर देखने मिलेगा राइजन 5 5600H के कंपैरिजन में। पर यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा कि ये दोनों ही लैपटॉप में से हम कौन सा लैपटॉप परचेस करें वो है GPU ग्राफिक। देखो यहाँ पे जो राइजन वेरिएंट है उसमें आपको मिलेगा AMD Radeon RX 6500M का ग्राफिक। ये ग्राफिक बहुत ही पावरफुल है पर ये 5600H के साथ अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि 5600H जो है ना वो PCIe Gen 3 को सपोर्ट करता है, वहीं पे जो ग्राफिक है ना वो PCIe Gen 4 को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ ये जो ग्राफिक है ना RX 6500M इसमें PCIe लेंस बस 4 ही हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि भले डाटा मिलेगा CPU को पर CPU उतना जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे PCIe Gen 3 का लेंस है। अगर आप नहीं समझते हो कि PCIe Gen 3 या Gen 4 क्या होता है ना, तो PCIe Gen 4 समझो कि GT रोड है, वहाँ से गाड़ी पूरे स्पीड में आएगा, पर PCIe Link 3 होता है बाईपास, वहाँ पे गाड़ी थोड़ा धीरे धीरे चलता है, तो डाटा तो बहुत स्पीड से आएगा भाई CPU में पर CPU उतना जल्दी उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आपको थर्मल थ्रॉटलिंग देखने मिलेगा, FPS ड्रॉप देखने मिलेगा, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि HP Victus Ryzen वेरिएंट जो होगा ना उसमें आप जब गेम खेलोगे ना तो आपको दिक्कत हो सकता है। वहीं पे जो इंटेल वेरिएंट है HP Victus में उसमें आपको देखने मिलेगा NVIDIA का GeForce GTX 1650 ग्राफिक कार्ड, यहाँ पे अच्छा खासा FPS आपको देखने मिलेगा। तो आप सिंपल सा देख सकते हो कि भैया RX 6500M बहुत ही पावरफुल GPU है पर यहाँ पे CPU ऐसा नहीं है, Gen 4 का CPU नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा FPS कम देखने मिलेगा। वहीं पे इंटेल का जो वेरिएंट है इंटेल का i5 11th Gen+ GTX 1650 ये आपको अच्छा खासा FPS निकाल कर देगा। तो बाकी आप देख सकते हो गेमिंग में यहाँ पे नो डाउट HP Victus i5 11th Gen बेटर है। अब हम बात करते हैं रैम पे। देखो दोनों ही लैपटॉप में आपको मिलेगा 8GB की 3200MHz की DDR4 रैम और लैपटॉप में आप रैम को 32GB तक बढ़ा सकते हो। मेरे हिसाब से कंपनी बोलती है कि आप 16GB तक ही एक्सपेंड कर सकते हो, वैसे हमने 32 करके देखा है। बाकी आपको दोनों ही लैपटॉप में 512GB का PCIe NVMe SSD देखने मिलेगा और यहाँ पे आप स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हो। डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं तो HP Victus Ryzen वेरिएंट में आपको देखने मिलेगा 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटीग्लेयर पैनल देखने मिलेगा, 144Hz की रिफ्रेश रेट है, 250Hz की ब्राइटनेस है और 45% NTSC कलर गैमुट है। वहीं पे जो इंटेल वेरिएंट है HP Victus में उसमें आपको देखने मिलेगा 16.1 इंच का फुल HD IPS एंटीग्लेयर पैनल है, यहाँ पे 144Hz की रिफ्रेश रेट है, 300Hz की ब्राइटनेस है और 100% sRGB कलर गैमुट है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो इंटेल वेरिएंट है उसका डिस्प्ले थोड़ा अच्छा है, बस यही बात होता है कि डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा आपको वॉबलिंग देखने को मिलेगा, जो कि मेजर कौन बनता है इस लैपटॉप का। बाकी कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको वाईफाई 6 का फीचर देखने मिलेगा, साथ ही साथ जो ब्लूटूथ है वो राइजन वेरिएंट में मिलेगा आपको 5.3 का वर्जन, वहीं पे जो इंटेल वेरिएंट है उसमें आपको देखने मिलेगा 5.2 का वर्जन। तो ये हल्का सा पुराना हो जाता है
और मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है। इसमें दोनों ही लैपटॉप में आपको फुल साइज आईलैंड कीबोर्ड देखने मिलेगा, यहाँ पे मेमोरी कार्ड दी गई है और टाइपिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी दोनों ही लैपटॉप में आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिलेगा और जो बैकलाइट का जो कलर है वो है व्हाइट। अगर हम बात करते हैं वेबकैम पे तो दोनों ही लैपटॉप में 720p की HD वेबकैम है, यहाँ पे प्राइवेसी शटर नहीं दिया गया है। अगर हम बात करते हैं वेट पे तो यहाँ पे जो इंटेल वेरिएंट है उसका वेट है 2.48 kg, वहीं पे जो राइजन वेरिएंट है उसका वेट है 2.37 kg। राइजन वेरिएंट हल्का है ठीक है। अगर हम बात करते हैं बैटरी पे तो यहाँ पे जो राइजन का वेरिएंट है ना उसमें आपको मिलेगा 52.5 Wh का बैटरी, और जो बैटरी बैकअप होगा इस लैपटॉप का वो मैं बोल सकता हूँ कि 3 घंटे के आसपास का होगा। पर वहीं पे जो इंटेल वेरिएंट है उसमें आपको मिलता है 70 Wh का बैटरी, और यहाँ पे जो बैटरी बैकअप होगा मैं बोल सकता हूँ कि 4 से 5 घंटे के आसपास का होगा। बाकी आपको दोनों ही लैपटॉप में सेम इनपुट आउटपुट पोर्ट मिल जाएगा, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरे हिसाब से पोर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ तक मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप को साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखा दिया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो HP Victus है राइजन वेरिएंट उसमें आपको हल्का सा डिस्प्ले बेटर देखने मिलेगा वॉबलिंग के इशू में, क्योंकि यहाँ पे 15.6 इंच का डिस्प्ले है और ये वॉबल थोड़ा सा कम करता है। बाकी लैपटॉप जो वेट है वो मैं बोल सकता हूँ कि 100 ग्राम के आसपास थोड़ा कम है, तो बस यही इस लैपटॉप का प्लस पॉइंट है। पर वहीं पे जो HP Victus है i5 11th gen, इसका प्लस पॉइंट बहुत ही अधिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक पावरफुल CPU है इंटेल का i5 11th gen जो कि एक बहुत ही पावरफुल CPU है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है NVIDIA का GeForce GTX 1650 ग्राफिक, जो कि बहुत ही अच्छा ग्राफिक है। देखो NVIDIA जो ग्राफिक होता है ना वो मैक्सिमम एप्लीकेशन और मैक्सिमम गेम के साथ पहले से ऑप्टिमाइज होता है। जानते हो जब भी कोई गेम बनता है ना तो मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि वो NVIDIA का GPU पे ही टेस्ट होता है, क्योंकि NVIDIA GPU अभी के टाइम में पूरा मार्केट पे छा चुका है, और NVIDIA GPU नो डाउट बहुत ही बढ़िया GPU है AMD के कंपैरिजन में। बाकी आपको लैपटॉप में 100% sRGB कलर गैमट देखने मिलेगा, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होने वाला है HP Victus Ryzen 5 5600H के कंपैरिजन में। बाकी आपको लैपटॉप में 70 Wh की बैटरी मिलेगी, तो यहाँ पे बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया होने वाला है। नो डाउट आपको 4-5 घंटे का इजली बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगर आप लैपटॉप लेकर कॉलेज जाते हो तो वहाँ पे आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि लैपटॉप डिस्चार्ज हो चुका है और उसका ढूंढ रहे हो अडेप्टर लेके भैया कहाँ पे हम चार्ज करें, ऐसा दिक्कत आपके साथ नहीं होगा। तो यहाँ तक मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप का प्लस पॉइंट बता दिया है। और अब हम बात करते हैं कि अगर मेरा बजट होता है 55K मैक्सिमम और ये दोनों ही लैपटॉप में से हमको एक लैपटॉप परचेज करना होता तो मैं कौन सा परचेज करता। देखो मैं सोचता भी नहीं ठीक है, मैं HP Victus i5 11th gen का लैपटॉप ही परचेज करता, क्योंकि मुझको इंटेल पे भरोसा है, साथ ही साथ NVIDIA का GPU पे भी भरोसा है। तो यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और घंटी को यहाँ से टंडना देना, क्योंकि जब भी कोई लैपटॉप सस्ता होता है सबसे पहला वीडियो लेके आते हैं। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, इंस्टा पे आप मुझको फॉलो करो, मुझको मैसेज करो, और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी अगला वीडियो किस पर बनाए बता देना ठीक है।